नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार, तो दिस इज़ न्यू ब्लॉग। तो आज लेके हम श्री कृष्ण म्यूज़ियम। जय श्री कृष्ण गाइस। तो आज हम हैं कुरुक्षेत्रा में, और कुरुक्षेत्रा का ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट जगह है श्री कृष्ण म्यूज़ियम। हम वहाँ पे जा रहे हैं, और अभी ये हम सेक्टर 70। से दो दोस्तों सेक्टर 17 का भी ब्लॉग बनाया था, और हम अभी है रेड रोड पर, और हम जा रहे हैं श्री कृष्ण म्यूजियम। अभी तो राइट लेफ्ट साइड जाएगा पेवा, और जो सामने का वो जाएगा ठोल रोड, भद्रकाली मंदिर रोड, और ये जाएगा पेवा और कैथल रोड। दोस्तों कुरुक्षेत्रा एक बहुत ही साफ और अच्छा सिटी है। आप देख सकते हैं सब लोग बड़े अच्छे से डिसिप्लिन से ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, और ये हम सेक्टर 17 इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। इससे कुछ ही दूरी पे जहाँ पे सनित सरोवर है, उसके बिल्कुल पास में ही ब्रह्म सरोवर और सनित सरोवर के बीच में श्री कृष्ण म्यूजियम है। देखिए कैसल मॉल का ब्लॉग डाला था, और श्री कृष्ण म्यूजियम सनित सरोवर के पास है। और हमारे राइट साइड पे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा श्री छेवी पातशाही, कुरुक्षेत्रा में बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। आज संडे है, तो संडे की वजह से बहुत सारे लोग और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। थीम पार्क में थीम पार्क भी लगते हैं यहाँ पे कभी। तो हम श्री कृष्ण म्यूज़ियम पहुंचने वाले हैं, और बिल्कुल सामने से एकदम से लेफ्ट पे ही कॉर्नर पे मेन रोड पे ही श्री कृष्ण म्यूज़ियम है। जीटी रोड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है श्री कृष्ण म्यूज़ियम। तो हम आराम से ट्रेन से या बस से कहीं से भी आना चाहें, अपनी गाड़ी से कार से, तो हम कुरुक्षेत्र आएँ तो इसमें ज़रूर विज़िट करें आप लोग। कुरुक्षेत्र सिटी, और अब देखिए श्री कृष्ण म्यूज़ियम पहुँच गया ब्रह्म सरोवर रोड पर, और हम आपको दिखाएंगे श्री कृष्ण म्यूज़ियम कैसा है, और कृष्ण जी के बारे में हम बताएंगे। और हम देखें श्री कृष्ण म्यूज़ियम पहुंच के, और हम एंट्री करते हुए श्री कृष्ण संग्रहालय, और देखिए आज काफ़ी पब्लिक आई है संडे के वजह से, और ये जगह फेमस भी है श्री कृष्ण म्यूज़ियम कुरुक्षेत्र में। बहुत सारी भीड़ है आज तो यहाँ पे, है ना जी, जगह फेमस है ना। हाँ, अरे तो, बच्चे भी आए हुए हैं। अब अभी देखिए हम श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और अभी देखिए म्यूजियम दिखा, अंदर जाने से पहले यहाँ पे टिकट हमें लेना पड़ता है, और पर पर्सन जो टिकट है दैट इज़ 30 रुपीज़, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट है। तो ये टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर अभी एंटर करेंगे। श्री कृष्ण म्यूजियम का भी बोर्ड लगा लेफ्ट साइड है, और ये देखिए जहाँ से हमने एंटर किया, और हम चलते हैं श्री कृष्ण म्यूजियम के अंदर। और अभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, आप फोटो खिंचा सकते हो। और देखिए श्री कृष्ण म्यूजियम के आज कोई स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, बहुत सारे जी सर, स्कूल के बच्चे भी, सभी लोग अंदर जाएंगे म्यूजियम में घूमने के लिए। और देखिए अभी कृष्ण अर्जुन का रथ दिखा रखा है। श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस म्यूजियम में हमें देखने को मिलेंगी जी, महाभारत से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड, वृंदावन मथुरा से रिलेटेड, द्वारिका जी से रिलेटेड, और श्री कृष्ण म्यूजियम के बारे में लिखा है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गाइस। ये पुराने समय की कुछ वस्तुएँ मूर्तियाँ दिखा रखी हैं जो श्री कृष्ण जी से संबंधित हैं। हमें अलग अलग जगह से ये वस्तु, देखिए श्री कृष्ण जी की धातु की मूर्तियाँ, और ये एक बर्तन है मेटल का, सिल्वर पॉट बोलते हैं, सिल्वर पॉट जिसको कहते हैं। इस पर भी श्री कृष्ण जी की बहुत सारी जीवन के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे वो बिल्डिंग जैसे स्कल्पचर हाँ। देखे हैं और पेंटिंग्स देखी है, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत एशियंट वर्ल्ड टाइप के देखे।
आपको इस म्यूज़ियम में श्री कृष्ण जी से रिलेटेड हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जीवन के बारे में, उनकी जहाँ जहाँ पे लोग पूजा करते थे, जहाँ उनको मानते थे। और देखिए ये उनके कुछ स्वरूप हैं जैसे जो खुदाई के दौरान हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं, देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं श्री कृष्ण जी से रिलेटेड। तो बहुत सारा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, पूरा पूरा इतिहास यहाँ पे एक तरह से देखिए। अरे हमारे हरियाणवी ताई भी जा रही हैं, देखो सर पे बैग रख के जा रहे हैं सब लोग। अच्छा, और अभी देखिए पूरा कुरु वंश के बारे में पूरा बता रखा है यहाँ पे, और बड़े अच्छे से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण म्यूजियम में आने से हमारे नॉलेज और ज्ञान भी बहुत बढ़ता है, हमें देखने को बहुत स्टडी में नॉलेज बढ़ता है। ये देखिए सामने द्वारिका जी के बारे में पूरा दिखा रखा है कि द्वारिका जी कैसे थी और कहाँ पे क्या है। बहुत ही सुंदर सुंदर पुरानी मूर्तियां जो बनती थी वो यहाँ पे BC टाइम की जी दिखा रखी है, और तो ब्रिक्स भी देखा, स्टोन्स पुरानी ईंटें दिखा रखी हैं यहाँ पे। और ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया में यानी कंबोडिया में जो श्री कृष्ण जी के लिए मंदिर बने हैं, जो मूर्तियां बनी हैं, उसका भी बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, और बहुत ही नॉलेजेबल चीज है। और दोस्तों देखिए हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर महाभारत गैलरी में आ गए देखने के लिए, और यहाँ पे कृष्ण जी मक्खन चोरी करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर झांकियां बना रखी है कृष्ण जी भी पढ़ाई करते हुए। ये बकासुर। अच्छा, और ये गोवर्धन जी जब बारिश हुई थी तब आप यूपी मथुरा में देख सकते हो वृंदावन। और ये कालिया नाग के सर पे कृष्ण जी नृत्य करते हुए, कृष्ण जी का जन्म भी होता ना। हाँ, और हम आगे चलते हैं, और ये हम सब का फेवरेट रासलीला, कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला करते हुए। बड़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ बनी हुई यहाँ पे, मजा भी आ रहा है, लाइटिंग भी काफी अच्छी ऊपर ना। और ये देखिए कंस वध, श्री कृष्ण जी कंस को मारते हुए पाप का नाश करते हुए, कंस के बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं। और ये कृष्ण अर्जुन का रथ, श्री गीता उपदेश, राधा कृष्णा, बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ और सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी गैलरी में जहाँ पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के जरिए विषम पितम्मा अम्बा अम्बिका और अम्बालिका को ले जाते हुए, और ये द्रौपदी का स्वयंवर, बिल्कुल बाहुबली की तरह है। नहीं, द्रौपदी का स्वयंवर के साथ ही ट्रेनिंग भी है, सभी कौरवों की और पांडवों की ट्रेनिंग दिखा रखी है युद्ध के लिए। मैंने सुना कौरव पांडव गेम भी लगाते हैं। हाँ, ये यहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर है जहाँ पे मछली की आँख को निशाना लगाना है, तो सारे योद्धा सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे फिर अर्जुन मछली की आँख को निशाना लगाएंगे। जय श्री राम जय श्री कृष्ण। और ये द्रौपदी का चीर हरण, बड़ी सुंदर झांकी दिखा रखी है, और विश्वपिता को तीर लगते हुए भी दिखा रखे हैं। कृष्ण जी कौरवों की सभा में उनको समझाते हुए, बहुत ही अच्छी अच्छी झांकी है यहाँ पे। जय श्री कृष्ण गाइस। विश्वपितामह का वो दिखा कर तीर मारते हुए जब द्रौपदी ने मारा, और ये अश्वत्थामा से मनी लेते हुए वापस, और ये एक बड़ी अच्छी झांकी दिखाई है जहाँ पे विषम पितामह और तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं। और ये युद्ध के बड़े अच्छे अच्छे दृश्य दोस्तों दिखाए हुए हैं जहाँ पे देख के हमें वाकई बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा इतिहास इतना अच्छा था। और करण वध करते हुए अर्जुन को दिखाया हुआ है इसमें कि वो रथ का पहिया निकाल रहे हैं और इतने में अर्जुन उनको तीर से मार देंगे। तो यहाँ महाभारत से रिलेटेड चीज़ें महाभारत भी देखे थे मैंने जी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और सारी चीज़ें बड़े बढ़िया से वर्णन की गई हैं, हमें हमारे इतिहास के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में देखने को मिलता है। आप भी कृष्ण म्यूजियम जरूर आइए जब भी आपको समय मिले। हाँ जी गाइज, तो मजा देख के, और महाभारत से भी कुछ नॉलेज मिले हिस्ट्री में बस।